नमस्ते दोस्तों, मैं श्वेता पोरवाल। आज मेरी सासू माँ आप लोगों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट और सॉफ्ट सॉफ्ट लांचा बनाने जा रही हैं। मेरी फैमिली में तो लांचा सभी के फेवरेट हैं। मम्मी ने लांचा बनाते समय जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं, जो कि आप लोग भी स्टेप बाय स्टेप जरूर फॉलो कीजिए। यकीन मानिए, आप लोगों के लांचा भी इतने ही स्वादिष्ट और सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले फूड वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। चलिए हम लोग फटाफट से लांचा बनाना शुरू करते हैं। आज मेरी मम्मी आप लोगों के लिए कुछ नया आइटम बनाने जा रही हैं। बताइए मम्मी, आप क्या बनाएंगी? मैं आप लोगों के लिए लांचा बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने सामग्री ली है, आधा किलो खोया, उसमें मिलाने के लिए 100 ग्राम मैदा और एक चम्मच इलायची पाउडर। इन सबको एक साथ मिक्स करते हैं और आटा की तरह गूंद लेंगे अच्छे से। अब इसे चलिए अब हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। चाशनी के लिए मम्मी आपने कितनी चीनी ली है? मैंने एक किलो चीनी ली है, एक लीटर पानी लिया है। अब हम चाशनी बनने रखते हैं। एक बड़े भगोने में एक किलो चीनी और एक लीटर पानी। आप लोग जब भी चाशनी बनाए तो इस तरीके से ही रेशियो रखना है। इसको लगातार अब हम चलाते रहेंगे एक दो खोल आने तक। इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के आटे की तरह नरम गूंद लेना है। बिल्कुल चिकना। चाशनी तैयार हो गई है, थोड़ी चिपचिपी हो जाने पर इसे उतार लें। चलिए गैस को ऑफ करते हैं। लांचा को डीप फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। खोए को मैंने अच्छी तरह गूंद लिया है, बिल्कुल नरम। देखो, अब मैं इसमें एक चुटकी सोडा मिलाती हूँ। अब थोड़ा डो अलग रख लेते हैं। अब मैं इसमें एक चम्मच चीनी मिलाती हूँ। अच्छी तरह मिक्स करके इसके गोले तैयार कर लेती हूँ। अब मैं इस तरह से इसमें थोड़ा काजू, किशमिश, बादाम, इलायची व शक्कर मिश्री के दाने डालती हूँ अंदर। अब इसे मैं लंबा लंबा सेब दूंगी। मैं एक और बताती हूँ।
इसके बीच में इलायची, बादाम, किशमिश और मिश्री के दाने। मैंने इस तरह बना लिए हैं लंबे लंबे। मैं अब इसे फ्राई करने के लिए गरम कढ़ाई में डालती हूँ। मेरा ऑयल गरम हो गया है, मैं इसे डालती हूँ। आंच धीमे ही रखना है। थोड़ा थोड़ा सा कलर आना स्टार्ट हो गया हमारे लांचे में, तो हम एक एक करके इसको टर्न कर लेते हैं। अब हमारे गुलाबी हो चुके हैं, अब इन्हें डार्क ब्राउन करने तक थोड़ी तेज आंच पे सेकते हैं। इन्हीं को हम काला जामुन भी कहते हैं। सेब अलग होने के कारण इसे लालचा कहते हैं। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि हमारे लांचे का जो कलर है वो बहुत ही परफेक्ट आया है। चलिए अब हम इनको एक प्लेट में बाहर निकाल लेते हैं। चलिए अब हम इनको चाशनी में डाल देते हैं। इस तरह से हम अपने सारे लांचे तैयार कर लेते हैं। अब हम थोड़ी सी गैस तेज कर देते हैं कलर लाने के लिए। लांचे का कलर तो बहुत ही अच्छा आ चुका है। चलिए अब हम इनको एक प्लेट में बाहर निकाल लेते हैं। चलिए अब हम इनको चाशनी में डाल देते हैं। मम्मी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, मुंह में तो पानी आ रहा है, क्या बन रहा है? मैं अपनी आशी के लिए लांचा बना रही हूँ। जल्दी से लांचा बन जाए और मेरी आशी फटाफट से खाएगी। आशी, चलते हैं, पहले भगवान जी का भोग लगाते हैं, उसके बाद खाने को मिलेगा। इस तरह से हमारे लांचा बनकर के तैयार है। चलिए अब हम इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं। इस प्रकार हमारे गर्मा गर्म सॉफ्ट सॉफ्ट लांचा बनकर के तैयार है। आप लोग इस रेसिपी को अपने अपने घरों में जरूर ट्राई कीजिए। यकीन माने आप लोगों को ये लांचा की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। यदि हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल श्वेता पोरवाल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैप्पी कुकिंग। चलिए अब हम टेस्ट करते हैं। वाह, बहुत टेस्टी बने हैं, बहुत सॉफ्ट। मेरी आशी से तो इंतजार नहीं हो रहा है। चलिए आशी, टेस्ट करके बताइए। बहुत सॉफ्ट। मेरी आशी को तो लांचा बहुत पसंद आई है। थैंक यू। हैप्पी कुकिंग।